नमस्कार दर्शकों, आरवाई डिजिटल न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं आज के मुख्य ताजा खबरों की तरफ। कोरोना से निपटने के लिए अब रेलवे स्टेशन पर भी हवाई अड्डे की तरह अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं। पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन की ओर से मालदा टाउन स्टेशन पर टिकटों की चेकिंग अत्याधुनिक यंत्र के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही साथ थर्मल इमेजिंग मशीन के माध्यम से यात्रियों की जांच की जाएगी। ये सुविधाएं अब केवल हवाई अड्डे पर ही उपलब्ध हुआ करती थी। मालदा के DRM यतिंद्र कुमार सिंह ने शनिवार को दोपहर को मालदा टाउन स्टेशन में कोरोना के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा इंतजामों के जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने टिकटों के लिए स्कैनिंग मशीन थर्मल इमेजिंग मॉनिटर का उद्घाटन किया। उनके साथ ही साथ मालदा डिवीजन के रेलवे के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। रेलवे के मालदा डिवीजन सूत्रों के अनुसार कोरोना के मद्देनजर काफ़ी संख्या में पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। मालदा टाउन के स्टेशन से गिने चुने ट्रेनों की आवाजाही हो रही है। उत्तर बंगाल एवं दक्षिण बंगाल के बीच एकमात्र पदातिक एक्सप्रेस वे गुवाहाटी न्यू दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल चलाई जा रही है। अगले 10 दिनों के भीतर रेलवे कुछ और ट्रेनें चलाने का निर्णय ले सकती है। यही कारण है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक मशीनें लगाई जा रही है। DRM यतिंद्र कुमार जी ने बताया कि फिलहाल मालदा होते हुए 2 से 3 यात्री ट्रेनें चल रही है। उन्होंने बताया कि रेलवे टिकट की जाँच अब मशीन के द्वारा ही की जाएगी। TTE को टिकट हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं होगी। टिकट की जाँच के लिए अलग से स्कैनर मशीन लगाई जा रही है। इस पर टिकट रखते ही दूसरे छोर पर TTE के पास कंफर्मेशन चला जाएगा। इसके साथ ही साथ यात्रियों को सैनिटाइज करने के बाद ही ट्रेन में चढ़ने का निर्णय दिया जाएगा। देखिए ये हमारे मालदा में जो आपका पैसेंजर स्पेशल चल रहा है पदातिक और ब्रह्मपुत्र मेल और एक और गुवाहाटी LTT और चलने वाली है अभी एक अगले मतलब 8-10 दिन में उसका भी स्पेशल ट्रेन में आया है। तो बाकी ट्रेनें तो चल रही नहीं। जितने भी जो पैसेंजर्स हैं और जस्ट उसके लिए कोविड की जांच के लिए पहले मैनुअल गन वगैरह से करते थे और उनका वो देखना है टिकट वगैरह, तो बिल्कुल टचलेस प्रॉपर जो एयरपोर्ट वाला सिस्टम रहता है एयरपोर्ट पे है, हावड़ा में भी लग गया है, तो वो यहाँ मालदा में अभी चालू किया है। तो इससे क्या है कि आदमी जो दूर से ही आएगा उसका टेम्परेचर सेंस हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। किसी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, फीवर वगैरह है, तो उसका इसमें साउंड आएगा, तो उससे मतलब उनको रोका जा सकता है। तो उससे बिना किसी टच के इजीली जो हमारे जो लोग एम्प्लॉयज़ RPF स्टाफ या टिकट चेकिंग स्टाफ जो लगे हुए हैं तो वो भी पूरा सेफ डिस्टेंस में रहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे आप लोगों को पता है कि मतलब बंगाल और सभी जगह इसका राइज हो रहा है। तो सारी जितने भी जो प्रोटेक्शंस के हैं मतलब जो हमें अपने बचाव के जो है वो हम लोग सब एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो वो उसी के चलते ये लगभग ये सिस्टम लगाया हुआ है।
जनरली वैसे उसी में हो जाता है, परंतु ये पूरा टोटली सेफ है, इसमें किसी भी तरह कॉन्टैक्ट नहीं है और इसमें इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। उसको रोक देंगे ना, उसको RPF इसीलिए है कि बेसिकली ये डाउट किया जाएगा टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम उसमें सिम्टम फीवर वगैरह होगा, तो उसको करके और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी वो दे देंगे, एम्बुलेंस में जाके अपना जांच वगैरह कराएगा। हालांकि लोग अपना लेकिन मतलब सारा प्रिकॉशन ले रहे हैं, पर तो भी कभी कोई आ जाए उससे क्या होगा कि बाकी लोगों का बचाव होगा। मतलब इसमें कोई मेडिसिन अभी तो आप लोग सब मीडिया से हैं सारा, अभी तक कोई ऐसा सेफ तो आया नहीं है, सब ट्रायल चल रहा है। तो अपना प्रोटेक्शन, माउथ और ये डिस्टेंसिंग, यही सारे मेथड हैं कि जिससे बचाव हो जाती है। अच्छा, इसका नाम नाम क्या दिया है सर? ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर स्क्रीनिंग सिस्टम है, और इसमें हम लोग टिकट के लिए टिकट कोई देखेगा नहीं, टिकट यहाँ रखते ही वो सीधा कंप्यूटर में आ जाएगा। तो मतलब एयरपोर्ट जैसा, हाँ, टिकट चेकिंग अदादिक एक्सप्रेस है जो अलीपुर द्वार से सियालदा जाती है, और दूसरा डिब्रूगढ़ से दिल्ली ब्रह्मपुत्र में, तीसरा एक गुवाहाटी LTT, ये कितना बाई वीकली है, तो अभी इसका अगले हफ्ते आएगा। तो पहले चलती थी वही बाई वीकली, मतलब गुवाहाटी से मुंबई जाने, तो मालदा आपका बम्बई, और तो दो और है, एक और है गुवाहाटी बेंगलोर, तो अभी आपका बेंगलोर चेन्नई और बेंगलोर से कनेक्टेड नहीं था, मुंबई से नहीं था, तो वो चालू हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के थ्रू दिल्ली हो गया, कलकत्ता आपका पता दिख सकता है, ये वो बाकी नॉर्मल ट्रेन ये स्पेशल ट्रेन करके चल रहा है, जैसे एयरपोर्ट की तरह लोगों का अपना छोटा काम ना रुके, इसलिए बाकी जो जैसे इस रूट में कम से कम 50-60 ट्रेन चलता है, वो सारा अभी बंद है, जो तीन ट्रेन वो सब बंद ट्रेन है, नहीं नहीं अभी कोई पैसेंजर वगैरह नहीं चालू कर, ट्रेन पैसेंजर में चांसेस ज्यादा है कि इनको होगा। ओनली 3 ट्रेन विल रन हियर, हां 3 ट्रेन, 1 विल गो टू द दिल्ली, 1 विल गो टू द कलकत्ता, अनदर विल गो टू बेंगलोर एंड चेन्नई बोथ।